पर्यायवाची शब्द, अब पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि समान अर्थ देने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द जिन्हें हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। समानार्थी, समानार्थी, समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, जिनका अर्थ वही निकलता है, जैसे जल, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, मैंने लिखा जल। जल को हम क्या कह सकते हैं, जल को हम पानी कह सकते हैं, जल को पानी कहा जाता है, जल को अंबू कहा जाता है, जल को नीर कहा जाता है, है? जल, पानी, नीर, अंबू, है ना। अब आकाश, आकाश को हम क्या कह सकते हैं, आसमान कहते हैं। आकाश को हम क्या कह सकते हैं, आसमान। और क्या कह सकते हैं, गगन, गगन। और क्या कह सकते हैं, नभ, नभ, है ना। चलो अब हवा, हवा को हम क्या बोल सकते हैं, वायु। हवा को हम कह सकते हैं, हवा को वायु, वायु कह सकते हैं, पवन कह सकते हैं, और वायु, पवन, हवा, बयार। चलो है ना। अब पेड़, पेड़ को हम क्या कह सकते हैं, वृक्ष कह सकते हैं। पेड़ को, पेड़ को क्या कहा जाता है, पेड़ को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष। पेड़ को वृक्ष कहा जाता है, झाड़ कहा जाता है, पेड़, वृक्ष, झाड़, और पादप, तरु, तरु भी कहा जाता है, है ना। और छोटी कक्षा में आता है ना, को और क्या क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते, क्या जैसे, जैसे घर है, घर को क्या कहते हैं बताओ, घर को आवास, आवास जहाँ पे हम निवास करते हैं, या सदन, सदन कहते हैं, या गृह कहते हैं, गृह, है ना, गृह कहते हैं ना, गृह, है ना, या मकान, या मकान, या निकेतन, निकेतन भी कहते हैं, निकेतन, है ना, निकेतन भी कहा जाता है घर को, है ना। और फूल, फूल को क्या कहते हैं बताओ, फूल, फूल को क्या कहते हैं, फूल को क्या कहते हैं भैया, फूल यानी फूल को पुष्प क्या कहते हैं, पुष्प, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, फूल, पुष्प, सुमन, सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, कुसुम भी इसका एक और नाम है, है ना। चलो फूल हो गया, है ना। और फूल के बाद में हम बात करेंगे कि भाई भगवान, है ना, भगवान। चलो भगवान को हम क्या कहते हैं, ईश्वर। भगवान को हम ईश्वर कहते हैं, है ना, ईश्वर है, भगवान है, प्रभु है, प्रभु, प्रभु जी, ईश्वर जी, भगवान जी, है ना। और देव, देवता, देवता, देवता भी तो कहते हैं, है ना। चलो और इसके बाद में हम आ जाते हैं, अब आकाश हो गया, है ना। अब सूर्य, सूर्य को क्या कहते हैं, सूर्य को सूरज, फिर रवि, फिर दिनकर, भास्कर, दिवाकर, है ना। चलो चांद, चांद को क्या कहते हैं बताओ, चांद को कहते हैं चंद्र, क्या कहते हैं, चंद्र, चांद को चंद्र कहा जाता है, चंद्र, चांद, चांद, चंद्र, चंद्रमा, 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 और चांद, चंद्र, चंद्रमा, शशि, शशि भी कहते हैं, शशि, फिर इंदु, इंदु, मयंक, हाँ चेक करेंगे ना। फिर और इसके बाद में हम लेते हैं, चांद हो गया, सूर्य हो गया, भगवान हो गया, फूल हो गया,
धरती 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 को क्या कहते हैं? धरती हमें धरती को पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं धरती को? पृथ्वी। धरती को पृथ्वी, पृथ्वी देश भूमि, भी तो कहते हैं। भूमि है ना, और धरातल। चलो धरती भी हो गया, पृथ्वी हो गया, भूमि हो गया, धरातल हो गया, वसुधा वसुंधरा है ना ये। और इसके बाद में हम लेते हैं पर्यायवाची में, जैसे हम लेते हैं भैया गुरु। गुरु को क्या कहते हैं? सर। शिक्षक। शिक्षक है ना, गुरु को शिक्षक कहा जाता है। गुरु, शिक्षक, आचार्य, आचार्य भी कहा जाता है, है ना, आचार्य भी कहा जाता है, मार्गदर्शक भी कहा जाता है ना। ठीक।